हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तप्तीस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी वीडियो में एक बॉल हैंगिंग क्राफ्ट, इजीली वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट बोल सकते हैं इसको। उसके लिए मैंने ये एक पेपर किचन मेट होती है उसका जो खाली हो जाता है वो रैप लिया हुआ है, इसको रैप कर दिया है। छोटी छोटी मटकियाँ लिए जो हम लोग दिवाली पर यूज़ करते हैं चिपकाने के लिए। मैंने यहाँ पे गम ली है, सीजर ली है और ये सूत ली है। ये सब वेस्ट मटेरियल है, इसका यूज़ करके एक हम बहुत ही अच्छा वॉल हैंगिंग क्राफ्ट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुतली से इसको पूरा कवर कर लेंगे। इसी तरह हम मटके को भी कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से पूरे रस्सी से इनको कवर कर लिए हैं। अब हम इनको एक फ्लावर लगाएंगे, वो फ्लावर क्विलिंग से बना लेते हैं। ये क्विलिंग नीडल है, ये क्विलिंग स्ट्रिप है। फ्लावर कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। इसको इस तरह से फंसा कर मैंने क्विलिंग की और भी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको और भी डिज़ाइन के फ्लावर्स देखना है तो मेरे चैनल में इसकी वीडियोस डली हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा फ्रीली यूं फ्रीली धीरे धीरे छोड़ना है तो खुलता जाता है इस तरह से। ये इस तरह से छोड़ देना और यहां से ये पॉइंट कर दिया मैंने। बॉर्डर पे येलो कलर लगा देंगे जिससे ये और भी अट्रैक्टिव दिखेगा। ये देखिए हमारी ये बन गई है। इस तरह मैंने और बना के रेडी रखी हुई थी। एक और शेप बना लेते हैं फ्लावर को कंप्लीट करने के लिए। येलो कलर की बॉर्डर लगा देते हैं। चलिए अब इस मटकी पर फ्लावर को लगा लेते हैं।
देखिए इतना सुंदर लग रहा है हमारा ब्लॉगर। बस इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये जल्दी से पक जाते हैं। तो ये बॉल्स लगा देते हैं। ये भी मैंने क्विलिंग स्ट्रिप ही ली है। आप चाहें तो कोई भी अच्छी लेस का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह मैंने दो और मटकियां भी रेडी कर ली हैं। ये हमारी तीन मटकियां रेडी हो गई हैं। हमें इस पर हैंगिंग करना है। ये भी मैंने जूट के फ्लावर बनाए हैं टर्न करके। ये हमने रेडी कर लिया है, उस पर रस्सी बांध देते हैं हैंगिंग के लिए। हमें रस्सी बांध दी है।
ये देखिए मैंने तीनों को सेम डिस्टेंस पर रख लिया है। अब हम इनको हैंगिंग करने के लिए चिपका देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वॉल हैंगिंग बनकर रेडी हो गया है। इसको आप अपनी बालकनी में भी लगा सकते हैं। इसमें आप लोग छोटे छोटे ट्रीज भी लगा सकते हैं आर्टिफिशियल, या फिर आप इसमें शोपीस ट्रीज भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरी ऐसी और भी क्राफ्टिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।